हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फॉर राइडर ब्रदर्स। कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम फिर अपने ऑफिस के अंदर आए हैं एक नई आइटम को अनबॉक्स करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि काफ़ी सारा हमने लाइनअप पूरा सेटअप किया था ई बाइक के लिए, ई रिक्शा के लिए और ई कार हम बनाने वाले थे। तो हमने जितना भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए सामान इकट्ठा किया था, उसके बाद एक और आइटम हमने ऑर्डर की है, इलेक्ट्रिक हब मोटर, जिसको हम अपनी बजाज सिटी 100 जो बाइक जिसको हम वर्कशॉप पे यूज करते थे, उसका वीडियो भी आपको दिख रहा होगा, फिर से दोबारा रिबिल्ड करने के लिए जिसके अंदर हमने मोटर लगाकर उसको यूज कर रहे थे और मोटर से उसको हम चला रहे थे। लेकिन अब हमने सोचा कि उसके अंदर पिछले हब के अंदर ही हम उसको हबिल वाला सिस्टम सेटअप करके और उसके बाद में उसको यूज करते हैं। तो हमने मंगवा लिया है हबिल मोटर वाला सिस्टम। तो अब हम हमारी बजाज सिटी 100 के अंदर उसको इंस्टॉल करने वाले हैं और उसके लिए हमने जो ऑर्डर किया था वो मोटर को, उस सिस्टम को हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में हमारा बॉक्स जिसके अंदर हमने मंगवाया है हबिल मोटर सिस्टम को। तो अब इसको अनबॉक्स करने का टाइम आ चुका है, इसको हम अनबॉक्स करते हैं और आपके सामने दिखाते हैं कि हमने जो मंगवाया है वो आइटम आखिर है क्या। काफी अच्छी तरीके से इसको पैकिंग करके हमारी पार्टी ने भेजा है हम तक, ताकि बारिश का जो मौसम चल रहा है अभी, बारिश के दिनों के अंदर ये सिस्टम खराब ना हो और काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें आइटम मिल चुकी है। पन्नी को निकाल कर हम साइड पर रखते हैं। काफी अच्छी तरीके से इसकी पैकेजिंग है। इतनी बढ़िया तरीके से बढ़िया क्वालिटी की पैकिंग के साथ में हमारा हबिल हमारे पास आ चुका है। तो हबिल को निकाल कर रखते हैं साइड पर और देखते हैं, और भी दो आइटम्स हमने एक्स्ट्रा मंगवाई है इसके अंदर, वो भी आपको दिखाते हैं। एक तो हमने इसके साथ में डिजिटल मीटर मंगवाया है साथ में, इसको हम हमारी कार के अंदर या हमारी जीप के अंदर फिट करने का सोच रहे हैं। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का बेहतरीन मीटर हमारे पास में डिजिटल मीटर है। इसके अंदर बैटरी के इंडिकेटर भी शो करेगा, स्पीड को शो करेगा और कितने स्पीड के ऊपर हमारी कार या जीप चल रही है वो सारी चीज़ें इंडिकेट करेगा। साइड सिग्नल का, पार्किंग लाइट का, हेडलाइट का, सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हमने रिमोट सिस्टम, अलार्म सिस्टम भी हमने मंगवाया है, ताकि हम अपनी सारी ई बाइक के अंदर, ई रिक्शा के अंदर या कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर हम इस चीज़ को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये रिमोट सिस्टम जिस तरीके से बाइक के अंदर, कार के अंदर यूज़ होता है, उसी तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें सिस्टम ये रहेगा कि ई रिक्शा या कोई भी ई बाइक या कोई भी ई प्रोजेक्ट होगा, उसका सारा सिस्टम इससे लॉक हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी बंदा अगर आपकी व्हीकल को टच करता है तो आपका व्हीकल के अंदर से जिस तरीके से सायरन रिमोट किट वाली बाइकों में, रिमोट किट वाली कार में सायरन होने लगता है, उसी तरीके से सायरन यहाँ भी बजने लगेगा। और साथ ही में इसके अंदर एक और हमने चिप मंगवाई है, एक सेंसर और हमने इसमें मंगवाया है, ताकि हम अपने किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर हबिल सिस्टम हो वो ख़राब ना हो सके, मोटर ख़राब ना हो सके, उसके लिए हमने ये सेंसर मंगवा लिए हैं।
था हमारा सब कुछ सामान जो हमने मंगवाया था, जिसके अंदर हब मोटर इलेक्ट्रिक हमारे पास में अवेलेबल है और ये छोटे ड्रम प्लेट के साथ में हमने मंगवा लिया था। तो काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है और काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ में ये चलता है। 2 स्पीड के साथ में इसका सिस्टम हमारे पास में आया हुआ है। तो अगर आपको यह हब व्हील पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करना। यह हमने डिज़ाइन और पैटर्न इसलिए मंगवाया है ताकि हमारी जो बाइक के अंदर हम लगाएंगे तो उसका जो फ्रंट व्हील वाला जो हिस्सा है, फ्रंट व्हील वाला मेक व्हील जो है, इससे काफ़ी अच्छी तरीके से मैच हो जाएगा और फ्रंट और रियर व्हील दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से लुक वाइज नज़र आएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी हब व्हील मोटर की अनबॉक्सिंग, और आने वाली वीडियो के अंदर हम इसको फिटिंग करते हुए इंस्टॉल करते हुए भी दिखाएंगे आपको। इंस्टॉल करने के बाद में इसको हम चलाकर दौड़ाकर और कितना वेट कैपेसिटी इसके अंदर लोडिंग होता है वो सारी चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर भी बने रहिएगा आप हमारे साथ में, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।